यानी मैं तो बेशक करती आई हूँ, तो करते रहना मैंने, ठीक है ना। तो आए बच्चों को मैं बड़ा चलो देते देखा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस पे मतलब कि मैं इससे करवा रही हूँ, सब जो करवा रही हूँ इससे करवा रही हूँ शतार से। अब ये छुट्टी हो गया तो ये यानी बहुत बहुत शरारती माज हो गया आजकल, तो इसलिए यानी मैं चलो चलो बच्चों की यूनिफॉर्म दे देते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म दे दिए हैं। रोड की हालत थी, मैं रोड की हालत थी। नमस्कार, सभी हमारे चैनल के दर्शक हैं, सभी को हर हर महादेव। सबसे पहले तो बता दें कि आज हम आपकी भेंट जो है वो नीतू मियां जी से करवा रहे हैं। नीतू मियां जी की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अक्सर आपको लोगों की हेल्प करते हुए नज़र दिखाई देंगे। सर्वप्रथम बात करें तो बेटियों की शादी का बीड़ा इन्होंने उठाया होता है, और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को भी इनकी तरफ से सहयोग जो है वो मिलता रहता है, चाहे हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं या फिर किसी बच्चे को बुक्स की ज़रूरत होती है, तो नीतू मियां जी हमेशा ही आगे रहती हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी भी है भोले बाबा जी के भक्तों के लिए, क्योंकि शिवरात्रि जो है वो आने वाली है, उसके लिए उस पर भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि हर वर्ष इनकी तरफ से एक विशाल भंडारे एवं जागरण जो है वो महादेव मंदिर रियासी में होता है, उस पर भी बात करेंगे कि इस बार के जागरण में कौन आ रहा है। नीतू जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, जय माता दी, जय भोलेनाथ जी। अगर हम आपके बारे में बात करें तो हमेशा ही आप सामाजिक कार्यों में आप आगे रहती हैं, और आज भी आपने एक ऐसा ही कार्य किया है। देखो जी यानी मैं तो बेशक करती आई हूँ, तो करते रहना मैंने, ठीक है ना। तो आए बच्चों को मैं बड़ा चलो देते देखा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस पे मतलब कि मैं इससे करवा रही हूँ, सब जो करवा रही हूँ इससे करवा रही हूँ शतार से। अब ये छुट्टी हो गया तो ये यानी बहुत बहुत शरारती माज हो गया आजकल, तो इसलिए यानी मैं चलो चलो बच्चों यूनिफॉर्म दे देते हैं, बच्चों यूनिफॉर्म दे दिए हैं शिवरात्रि से पहले यानी, ठीक है ना। तो इसलिए यानी तो साथ में यानी रियासी वालों से सबसे कह दूँ कि महाशिवरात्रि पर महाजागरण होने जा रहा है, इस पर पम्मी ठाकुर जी हिमाचल के आ रहे हैं, मनोज रैना जी आ रहे हैं, और कुछ कलाकार दिल्ली से आ रहे हैं जी, ठीक है ना। तीन ही कलाकार डाले मैंने, और झांकी वगैरह करने के लिए यानी अपने जम्मू से आ रहे हैं, ठीक है ना। और महादेव में जागरण है 8 मार्च को। क्या पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है इस जागरण की बात करते हैं, इससे पहले विशाल भंडारे का आयोजन होता है, उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है? जो भंडारा होता है, पहले तो भंडारा हम चलो महादेव मंदिर में सभी मल्दी बुक कराते संस्था वाले कराते थे, आजकल वो भंडारा खत्म हो गया, क्योंकि आजकल भंडारा मैं घर पे करती हूँ। जी जी, हम घर पे अपना स्टूल रखा होता है, सुबह हम लोग मतलब पहले हवन होता है हमारे घर में यानी, उसके बाद जाके फिर हम भंडारा आयोजन करवाते हैं, फिर शाम को जाके हम लोग वहाँ से घर से ही आरती लेके आते हैं। तो इसी तरह वो स्टूल रहेगा, उसी दिन सेम डे में सारा दिन काम रहेगा। तो भंडारे जो है वो कितने बजे आरंभ होगा, और जागरण के लिए लोग रात्रि में कितने बजे यहाँ पे पहुँचे? भंडारा जो है वो दोपहर को यानी 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और कदीवन वो चलता रहता है, फिर हम लोग जोत लेके हम लोग 8 बजे आ जाते हैं, फिर रात को जो जोत लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग इनको जहाँ पे जो मंदिर में हम लोग रहते हैं उनमें हम चाय वगैरह रखा, पकौड़े का इंतजाम रखा है, और बल्कि खाने के लिए चीज़ें रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो शाम को प्रोग्राम रखा हुआ हमने। तो क्या संदेश क्या रहने वाला है जितने भी दर्शक आपको सुनेंगे? संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यानी महादेव मंदिर में आए और भोलेनाथ जी का गुणगान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, और माता रानी की कृपा से यानी सबको माता रानी सब आशीर्वाद बनाए रखे, और यानी और आपकी यानी मंगल हो यानी, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की कोशिश करें। कितना जागरण कितने इससे पहले हो चुके हैं? इससे पहले यानी शायद 13 हो चुके हैं, 14 में इस बार। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीतू मियां जी। फिर से बता दें कि भोले बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 8 मार्च महाशिवरात्रि के पर्व पे हर वर्ष नीतू मियां की तरफ से महादेव मंदिर रियासी में एक विशाल भंडारे एवं जागरण का आयोजन होता है, और इस बार के जागरण की बात करते हैं तो प्रसिद्ध हिमाचली प्रसिद्ध लोक गायक पम्मी ठाकुर जी यहाँ पर आने वाले हैं, बहुत से प्रसिद्ध भेंटे उनके द्वारा गाई गई हैं, आप उनको लाइव यहाँ पे आके देखेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं पम्मी ठाकुर जी की बात करते हैं। तो हमारा भी सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इनके इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और 8 मार्च रात्रि को इनके जो जागरण महादेव मंदिर होता है उसमें भी आएँ, और इनके घर में जो भंडारा होता है उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे।
चलो चलो।